हेलो दोस्तों, गोट फार्मिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए जम्स क्रिएशन चैनल को और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए। हेलो एंड वेलकम बैक का इस न्यू वीडियो। तो आज हम आए हैं सैनिक नगर में शाकिब भाई के साथ में। अस्सलाम वालेकुम शाकिब भाई, खैरियत से भाई? तो आज हम बताने वाले हैं शाकिब भाई का डेयरी फार्मिंग में एक्सपीरियंस लाइक कितने टाइम से है और क्या फार्मिंग कर रहे हैं। तो शाकिब भाई, सबसे पहले आप डेयरी फार्मिंग में कब से जुड़े हो, कितना टाइम हो गया? समझ लो हमारा फैमिली बिजनेस है। ओके, तीसरी पीढ़ी चल रही है। तीसरी पीढ़ी चल रही है डेयरी फार्मिंग में। 45 साल हो गए। ओके 45। तो जब आपने स्टार्ट किया था, जब आपने मतलब ये संभालना स्टार्ट किया था, तब कितने जानवर थे आपके पास में? वो मतलब एक घर खाने के हिसाब से एक भैंस लाए थे। हाँ, वो हिसाब से फिर जब दूध बढ़ने लगा तो इसको बिजनेस के तौर पे। ओके, फिर बढ़ाते गए, आज ऑलमोस्ट 300 भैंस है। 300 भैंस है। तो अभी हम जो लोकेशन पे खड़े हैं ये है सैनिक नगर, राइट? सैनिक नगर। तो यहाँ पर आपके पास टोटल कितने जानवर है? यहाँ पे पौने 200। तो मेन कौन सी नस्ल में काम करते हैं, कौन सी इसका रहता है आपका? मतलब हरियाणा, गुजरात की तुम्हारे मेहसाणा, ओके, पाटन, भाबर, भूज, ओके, सारी मतलब ये है। दूध में जो है सबसे ज्यादा दूध कौन से इसमें आता है, कौन से भैंस? हरियाणा में है और ये बनी। ओके, एंड ज्यादा डिमांड किसकी रहती है, भैंस की रहती है या फिर गाय के दूध की रहती है? भैंस की रहती है। तो हम थोड़ा आगे चल के आपका ये पूरा सेटअप दिखाते हैं। 150 आपने बताया ना, यहाँ पर पौने 200। और अभी लाइव ये चल रहा है जो दूध निकाल रहे हैं। तो ये जो दूध निकालने का सिस्टम होता है ये कितने टाइम करते हो? दिन में दो बार होता है। हाँ, अपना टाइमिंग है सुबह 5 बजे का, शाम में 5 बजे से। हाँ ओके। अभी जैसे ये कौन सी नस्ल बोलेंगे? ये भूज। भूज में। और इसको कितना दूध रहता है? 18 लीटर दूध। 18 लीटर, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो ज़्यादा अगर समझ लो कोई न्यू आता है, 2 महीने की लोडेड है, तो ये ब्रीडिंग भी अपने पास यहीं पर होती है? हाँ, अपना मेन ब्रीडर टीम है अपने पास। ओके, तो अभी जैसे कि आपका ये डेयरी फार्मिंग का एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन जब भी आप जुड़े थे तभी आपको कुछ ऐसा इसमें आया था, प्रॉब्लम आए थे? मतलब बचपन से ही खेल कूद के हिसाब में घुसे थे। हाँ, ओके, कम्प्लीटली अब यही बिजनेस है पूरा पूरा। तो चलिए आगे चल के थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। अभी आपने जो जो नस्ल की हमें पता है, एक ये तो भूज हो गया ना, और कौन सी अपने पास में, दूसरा बताइए? ये मुर्रा है, ये वाली, ये वाली ना। इसका कितना दूध रहता है? 14 लीटर दूध। ये वाली को 14 लीटर। तो अगर आप लोग भी इस तरीके की कोई डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, शाकिब भाई से आप लोग डिटेल ले सकते हो, एक्सपीरियंस काफी अच्छा है इनका। तकरीबन कितने साल का एक्सपीरियंस रहेगा आपका इस लाइन में? मेरा 15 साल। 15 साल भी जैसे किए है। तो ये कौन से नस्ल में? ये राजस्थान। राजस्थानी। इसका भी अभी दूध निकालने का सिस्टम चल रहा है ना। तो ये मतलब कैसा खिलाई पिलाई के कैसी रहती है इनकी, मतलब क्या खिलाना पिलाना पड़ता है तो इतना दूध आता है, कंटिन्यू मैनेज होता है उतना दूध? देना पड़ता है फैट के लिए। हाँ, मावा अच्छा होता है, कपड़ है। हाँ, पाम खली है। ओके, चूनी में जो है सुअर की चूनी, मछली की चूनी, मक्का चूनी। हाँ, ये देना पड़ता है। कुर्सी में हम लोग को फिलहाल खिलाना है सोयाबीन की कुर्सी। ओके, गरमा कुर्सी जो है वो ऑलमोस्ट 20 रुपये पहुँच चुकी है। राइट राइट, सोयाबीन में थोड़ा पैसे का जी हिसाब किताब से बैठ गया। तो तकरीबन जैसे एक भैंस है ये कितने टाइम तक मतलब दूध देने के लिए रेडी रहती है? कुछ कहते हैं ये ऑलमोस्ट साल भर। हाँ, 10 महीना एक लास्ट है। ओके, और जो यहाँ की भैंस है वो मेहसाणा वाली 6 महीना 7 महीना। 6 महीना 7 महीना दूध देती है एक रात, एक रात पे, एक टाइम पे। मतलब कैसा दूध का सिस्टम कैसा रहता है, साल भर में 7 महीना ऐसा? 6 महीना एक तरीका देगी। उसके बाद थोड़ा कम करेगी नोट होने के बाद। हाँ, फिर धीरे 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 जब वो 5-6 महीने में आएगी वो दूध से एकदम खत्म हो जाएगी, एकदम खत्म। उसके बाद 3 महीना बैठ के खाएगी फिर। और कितने साल तक ये दूध दे सकती है? आपके ऊपर है, आप जितना अच्छी उसकी सेवा करो उतने बार आप इसका बैठे। सही है। जैसे अपना यहाँ पे दूध का ही सिस्टम में ना, या फिर जैसे बच्चे वगैरह भी न्यू आते हैं, ब्रीडिंग वगैरह का भी सिस्टम रहता है, तो वो सेलिंग होती है अपने पास ही बड़े होते हैं? नहीं, बच्चे बड़े करके अपन यहाँ पूना नाते के घाट वाले सब पालने को लेके जाते हैं। ओके, पालने के लिए देते हैं। तो माशाल्लाह ये इनका सेटअप है। ये यहाँ पर क्या है, ये सेटअप है? ओके, बच्चों का है। तो ये एज अ ब्रीडिंग यूज करते हो इनको या फिर क्या रहता है? हाँ, अपने यहाँ होती है, ब्रीड होती है, तो इसको फिर हम लोग खुदरा भेज देते हैं। हाँ हाँ, ओके। अभी भैंस में अपना मेल में कितने हैं अपने पास में? मेल अपने पास फिलहाल 4 ब्रीडर है। ओके, बड़े 4 है, बाकी ये जो चल रहा है सिस्टम भी है। भैंसों में मतलब काम ज्यादा है और गाय में अपने पास कम है? मतलब 15 गाय है,
कस्टमर के हिसाब से। ओके, दूध अपने यहाँ भैंस का ज्यादा बिकता है, गाय का ऑलमोस्ट खाली बच्चों के लिए जो लगता है। ओके, तो चलिए थोड़ा आगे चल के और भी आपका जगह एक्सप्लोर करते हैं। काफी से मतलब अच्छा सेटअप करके रखा है इन्होंने, मेल फीमेल से लेकर जो भी है, छोटे बच्चे भी आप लोगों को दिखाते हैं। अभी साकिब भाई जैसे सब छोटे बच्चे हैं, तो ये मतलब अभी अपने फार्म पे कितना टाइम से हुआ, कितना टाइम हो रहेगा इनको? ये अभी है 15 दिन का बच्चा है, ये 15 दिन का, 15 दिन के बच्चे। ओके, तो ये न्यू बॉर्न आते रहते हैं, इनका फिर आप बाद में फार्म पे बड़े करते हो, राइट? यहाँ तो बड़े हो जाएंगे, जवान होंगे, जैसे ये अपने से फिटिंग करने लगेंगे, उसके बाद नाती पूना ये सब फेड़े वाले लेके जाते हैं। चलो सही है, यहाँ पे भी एक बच्चा है, और हम लोग आगे चल के वो वाला सेटअप भी दिखाते हैं। ये कौन सा? ये गाय है। ओके, इसमें भी कोई नस्ल रखे हो या फिर एक ही नस्ल है? नहीं, ऑलमोस्ट सब जर्सी है। सब जर्सी है। इनका दूध कितना आता है? इसको है 14 लीटर। 14 लीटर, तो भैंस के मुकाबले में इसको कम है, राइट? जैसे आपने भैंस में बताया हुआ है, वो गाय है, वो 28 लीटर दूध। ये वाली को बोला फ्रंट ग्राउंड में जो खड़ी है वो, इसको काफी टाइम हो गया है, इसको बच्चे आप देख सकते हैं। ये वाला 4-5 महीने का बच्चा हो गया, अभी 14 लीटर अभी इसको आ रहा है, और 5 महीने का बच्चा हो गया। ये वाला तो हम लोग वो वाला सेटअप ही चल के देखते हैं। अभी हम इनके एक और सेटअप में आए, न्यू भैंस जो भी आई है इनके पास में, वो ये दिखा देते हैं। ये सब कौन से भाई? अभी नए नए है ना, माशाल्लाह। ये क्या मतलब भैंस में ही है? हाँ, ये एकदम मुर्रा नस्ल की पाड़ी है। मुर्रा, और कौन सी नस्ल है अपने पास में दिखाने के लिए? क्या है ये? सेकंड इसका लैक्टेशन है। ओके ओके, और यहाँ पे अपने पीछे गाय भी रखा हुआ है ना, मतलब रिक्वायरमेंट इनकी है इस हिसाब से रखा हुआ है, राइट? के हिसाब से जैसे दूध की रिक्वायरमेंट है गाय की, वो हिसाब से 15 गाय है। ओके, बस वही चल रही है। और नहीं नहीं, आप मतलब जानवर लाते रहते हो, नए नए भैंस लाते रहते हो? हर महीने बद्दी करना रहता है, 25 से 30 भैंस है हर महीने। अच्छा, अपने पास में अभी हाईएस्ट में दूध देने वाली कौन सी भैंस है या फिर कौन सी गाय है? वो आपको दिखाया जो ब्राउन वाली, राइट? 28 लीटर, 28 लीटर के ऊपर कोई देने वाली रहती है नस्लों में? गाय में 28-30 लीटर आम है। हाँ, बाकी भैंस में रेयर मिलती है 20 लीटर, और यूजुअली दो टाइम भी निकालना पड़ता होगा, एक सुबह में और एक शाम में। सुबह और शाम, जैसे अभी 6 बजने का टाइम है और एक प्रोसेस चालू है, राइट? ये अभी दूध निकाल रहा है, फिर डायरेक्ट यहाँ से मार्केट में जाएगा। आपकी डेयरी है? हाँ, डेयरी पे दूध। तो ये सैनिक नगर मुमरा में ही है, और यहाँ से पूरे मुमरा में ही सप्लाई होता है। यूजुअली मुमरा में जाता है या मुमरा के बाहर भी? मुमरा में ही है, बाहर कुछ नहीं। इसका क्या बता देते हैं? 8 महीने की गाभन है। हाँ, तो 20 लीटर दूध। 20 लीटर नस्ल? भाबर। क्या नाम है? भाबर। भाबर, भाबर कहाँ की हुई है? गुजरात के अंदर। अच्छा, गुजरात। ओके, 20 लीटर दूध अभी मतलब ये दे रही? अभी फिलहाल तो इसको दूध नहीं है। अच्छा, अभी तो वो गाभन है। अपने ब्रीडिंग में जो है वो 4 ब्रीडर यूज करते हैं, तो वो दिखा सकते हो अपने को? एक ब्रीडर यहाँ बैठा है, ये वाला, माशाल्लाह बहुत एकदम हैवी में। क्या वेट पड़ेगा भाई ये? 700 किलो। 700 किलो। तो भाई मेरा एक सवाल था कि जैसे अभी आप ब्रीडिंग के लिए यूज कर रहे हो, राइट? अभी जब इसका काम हो जाता है तो फिर क्या करते हैं, उसको सेल कर देते हो? हाँ, उसके बाद सेल कर देते हैं। ओके, तो जो भी मार्केट में रहेगा वैल्यू उसके हिसाब से निकाल देते हैं। और ईद के टाइम भी अपना कुछ काम है भैंसों में, जैसे ईद के टाइम में पाड़े का करते हैं। अच्छा, जो सेलिंग वगैरह रहती है कुर्बानी के, वो अल्बिनो। अल्बिनो अपने पास स्थान है यहाँ पर, अभी दिखाने के लिए बच्चा है सामने, ये वाला। अभी थोड़ा मार्केट में नया ट्रेंड चल रहा है अल्बिनो का, तो लोग ज्यादातर वही पसंद कर रहे हैं। बच्चा अभी घर का है, ये तैयार होगा, ये न्यू में आया है, है। तो अभी ये इनका पूरा सेटअप हमने दिखा दिया। शाकिब भाई, हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें अगर डेयरी फार्मिंग में कोई घुसना चाह रहा है, कोई एंटर करना चाह रहा है, तो कहाँ से परचेस करे, कहाँ से आइडिया ले, तो आप हमें शेयर करिए। कराएंगे सेटअप जी, गुजरात से या फिर हरियाणा रहेगा जी जी, मतलब जहाँ पे भी काम करना चाहते हैं आप लोग, पूरा उनको हेल्प कर देंगे। तो इस वीडियो के लिए रखेंगे बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो थैंक यू सो मच।